ऑल राइट, सो टुडे हम बात करेंगे पैनिक अटैक पर। ये बहुत सारे लोगों के लिए समस्या है और जो लोग हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं, सर पैनिक अटैक आ जाता है और हम उसके कारण बहुत डरने लगे हैं। तो दोस्तों, पैनिक अटैक का मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक्सट्रीम एंजाइटी आ रही है। कि एंजाइटी का जो लेवल है आपका, अगर मैं उसे 0 से 10 पर लूं मे बी, या हम कहें 1 से 10 पर, क्योंकि 0 तो यूजुअली नहीं होता, क्योंकि एंजाइटी का मतलब है अनवांटेड फीलिंग्स, और अनवांटेड फीलिंग्स सभी को आती हैं, तो कोई ना कोई लेवल तो आपका होगा। अगर 1 से 10 पॉइंट स्केल पर अगर मैं कहूं, तो एंजाइटी के केस में आपको 9, 10 उस टाइप की एक्सट्रीम फीलिंग्स आ रही हैं, तो वही कहलाता है आपका पैनिक अटैक, जब आपको बहुत ही ज्यादा ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जो कि अनवांटेड हैं। आपकी बॉडी इतना कुछ देख रही है कि आपको अब डर लगने लगा है। तो आज हम इस टॉपिक पर डीपली बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को जब मैं देखता हूं तो मुझे इसके 3 पहलू नजर आते हैं। सबसे पहला, बिफोर पैनिक अटैक, फिर है ड्यूरिंग पैनिक अटैक, और फिर है आफ्टर पैनिक अटैक। तो इसको हम 3 एंगल से देखेंगे कि बिफोर पैनिक अटैक, ड्यूरिंग पैनिक अटैक एंड आफ्टर पैनिक अटैक। सो अगर मैं इसको बिफोर पैनिक अटैक पहले ले लूं, कि बिफोर पैनिक अटैक में क्या सिचुएशन बन रही है, तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ घटित हुई है, या कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, और उसमें आप बहुत ही उलझे हुए हैं। मे बी कुछ पास में ऐसी घटना हुई जिसके कारण आपके बहुत सारे थॉट्स चलने लग रहे हैं, कि बहुत कुछ चल रहा है माइंड में जिसके कारण आपकी इमोशंस बन रहे हैं, कि कोई डर बना हुआ है, कोई सैडनेस है, कोई गिल्ट है, जो भी है वही साइकिल आपकी चल रही है, कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जिसके कारण आपके थॉट्स बने, आपके इमोशंस बने। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ब्रेकअप हो गया आपका, तो उसके अराउंड आपके थॉट्स आ रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया, या वो मुझे छोड़ गई, उसने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया, उस टाइप के आपके थॉट्स बनते हैं जिसके कारण खराब इमोशंस आ रहे हैं, सैडनेस आ रही है, एंगर आ रहा है, कोई गिल्ट आ सकता है, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई फियर है, कुछ भी आ सकता है आपका इमोशन, और मल्टीपल इमोशंस भी बन सकते हैं। सो जो हमारा बिफोर पैनिक अटैक है, इसी टाइप के आपका कुछ चल रहा है, और वो ग्रो करता रहता है, बनता रहता है, रोज आप उस पर सोच रहे हो, सिचुएशन बनी हुई है, रोज उसके अराउंड थॉट्स चल रहे हैं, आप धीरे 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 करके उस लेवल को बढ़ाते जा रहे हो, और जब ये लेवल बढ़ता जाता है और ऊपर पहुंचता जाता है, तो आपको अचानक से किसी दिन पैनिक अटैक आ जाता है, और उस सिचुएशन को हम कहेंगे मे बी ड्यूरिंग पैनिक अटैक, कि जब पैनिक अटैक आ रहा है। जैसा मैंने कहा, पैनिक अटैक का मतलब ही ये है कि एकदम से आपके एंजाइटी के लेवल्स बढ़ गए। उसमें कुछ भी हो सकता है आपको, मान लीजिए हार्ट पाल्पिटेशन हो रही है बहुत तेज तेज, दिल धड़क रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस आ रही है कि सांस फूल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, और वो बहुत तेजी से चल रहा है, आपका चेस्ट पे भारीपन आ रहा है, कोई पेन सा फील हो रहा है, आपके सर में ऐसा लग रहा है जैसे सर दर्द हो रहा हो, सर फटा जा रहा हो, या कुछ और आपको कोई भारीपन, कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई चीज चुभ सी रही है, कहीं पर लग रहा है कि यहाँ ठंडा या गर्म पड़ गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सर में एकदम से गर्म हो गया है पूरा सर मेरा, या ऐसा लग रहा है कि हाथ मेरे ठंडे पड़ गए हैं, कई बार किसी को पसीना आने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे सारी बॉडी में एकदम से स्वेटिंग शुरू हो गई हो। तो कुछ भी अनवांटेड फीलिंग आ सकती है उस दौरान, और वो एकदम से एक्सट्रीम आता है, आपको एकदम से डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कि मुझे कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, उस टाइप के थॉट्स आपके चलने लगते हैं पैनिक अटैक के दौरान, और आपको ऐसा लगता है वो कुछ मिनट्स आपकी लाइफ के सबसे लंबे मिनट्स बन जाते हैं। वो चलता है, देखिए यूजुअली जो एंजाइटी की जो साइकिल होती है वो यूजुअली आपकी मे बी 15-20 मिनट की रहती है, आप 15 से 30 मिनट उसको मान लीजिए, और उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट भी चलते रहते हैं, कि आपको डर लगा रहता है, डर बना रहता है कि कहीं फिर तो नहीं आ जाएगा, तो वो यूजुअली आप उसको और एक्सटेंड करते रहते हैं, बट एक यूजुअली जो एंजाइटी की साइकिल है वो 15-20 मिनट की होती है, कि एक बार राइज करेगी काफ़ी और फिर एकदम से डिप कर जाएगी। तो ये होता है आपको ड्यूरिंग द पैनिक अटैक, और जब ये हो चुका होता है, ये फेज गुजर चुका है,
उसके बाद हम बात करते हैं कि आफ्टर पैनिक अटैक, कि पैनिक अटैक तो हुआ और वो जा भी चुका है, अब सरवाइव कर चुके हो, कुछ नहीं हुआ उसके बाद, अब आफ्टर पैनिक अटैक क्या हो रहा है। आफ्टर पैनिक अटैक का मतलब है कि आपको कई दिन बीत चुके हैं, मे बी कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन डर आज तक बना हुआ है कि कहीं वो पैनिक अटैक दोबारा से तो नहीं आ जाएगा, कहीं वैसी ही फीलिंग्स फिर दोबारा से तो नहीं आ जाएगी, मेरा हार्ट फिर से धक धक करने लगे, मुझे फिर ब्रेथलेसनेस ना हो जाए, कहीं मेरे पेट में कोई वही फीलिंग्स ना आने लगे, मेरे सर में कुछ वैसे ही फिर ना प्रेशर, फिर वो भारीपन, फिर वो फटना सा, उस टाइप का कुछ फिर ना होने लग जाए। वो डर हमेशा बना रहता है जब तक आप उस पर काम नहीं करते, तो वो ही आफ्टर पैनिक अटैक वाला फेज है, जिसमें कि आपको अब डर आने लगा कि बाहर गया अकेला कहीं पर और फिर वो पैनिक अटैक आ गया, फिर वैसा ही मुझे फील हुआ, तो कौन मेरी हेल्प करेगा, मेरे तो कोई फैमिली मेंबर्स भी वहां पर नहीं है, तो मैं अगर वहां गया तो मुझे कुछ हो ना जाए, तो आप अवॉइड करने लगते हो ऐसी जगह को, दूर घर से जाना, ट्रैवलिंग करना, या जहां पर कोई हॉस्पिटल ना हो आसपास, आप ऐसी जगह से बचने लगते हो और भागने लगते हो, और वो ही सिचुएशन आपके उस डर को और ग्रो करती है और बढ़ाती है, मतलब वर्स करती जाती है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, आप उस सिचुएशन से भागने लगे हो, एस्केप करने लगे हो, जिसे हम एस्केपिज्म भी बोलते हैं। तो वो जो फीलिंग है, वो जो आप काम कर रहे हो कि अब मैं अवॉइड कर दूं, किसी तरीके से भी आप एन नंबर ऑफ बहाने लगाकर किसी ना किसी तरीके से वहां जाना, जहां से इस जिस टाइप की वो आपको एंजाइटी ना आ जाए, उस टाइप की वो फीलिंग्स ना आ जाए, वो ऐसी जगह पर जाना आप बंद कर देते हो, कि कहीं मान लीजिए भीड़ भाड़ में आई थी तो अब भीड़ भाड़ से बचने लगे हो, कहीं मॉल में थे, एयरपोर्ट पे थे, रेलवे स्टेशन में थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, वहां आई थी तो आप वहां से अवॉइड करने लगते हो, बचने लगते हो, तो आप वैसी जगहों से, वैसी सिचुएशन में जाने से अपने आप को रोकने लगते हो, और हर बार जब जब आप रोक रहे हो, वो डर और बढ़ा है और आपने उसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि माइंड के पास वो जो रेफरेंस है वो उसी टाइम का पड़ा हुआ है। माइंड हमारा, हमारी लाइफ, हमारा सब रेफरेंसेस में काम करता है कि क्या ये काम मैंने पहले किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो हमें इजी लगता है कि हाँ यार मैं कर जाऊंगा, मैं एक बार पहले भी कर चुका, या किसी और ने किया हुआ है, हाँ उसने किया हुआ है, उसने किया हुआ है, चार आदमियों ने किया, आपको पता है, तो मैं भी कर लूंगा। माइंड हमेशा रेफरेंस ढूंढता है, तो यहां पर रेफरेंस पड़ा है कि आपको वो पैनिक अटैक आया था, अब अगर आप भाग रहे हो, बार बार बच रहे हो, तो वो उसको और ग्रो कर रहा है जो डर उस दिन आया था। So, जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे तब तक वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब करना क्या है कि जब जब मुझे पैनिक अटैक आया हुआ है जिस जिसको भी, तो उन्हें करना क्या है, तो आप देखते हैं एक बार। तो जब जिस जिसको भी पैनिक अटैक आया हुआ है, अब उसे करना क्या है, उस पर जरा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में कोई इवेंट हुआ आपके साथ, कोई घटना घटी है, जैसे मैंने कहा कि ब्रेकअप हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, कोई ग्रीफ का इवेंट है जिसमें कोई अपना क्लोज वन है उसको कुछ हो गया है, तो कुछ भी हो सकता है, या कहीं और से डर आया हो आपको, सो वो कोई ना कोई इवेंट आपका पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ ऐसे मेरा मतलब है आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो एक्चुअल इवेंट हुआ था वो तो कब का जा चुका और पास्ट हो गया है, ना आप उसका कुछ कर सकते हो और ना करने की जरूरत, क्योंकि एक उसकी पिक्चर आपके माइंड में बनी हुई है। और वो कैसे बनी है, जैसा मैं हर बार बताता हूं कि आपके माइंड में जब बाहर से कुछ भी लेता है, आपका माइंड फिल्टर लगा कर लेता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज, ये फिल्टर्स लग के चीज को मोड़ तरोड़ कर कुछ डिलीट करके, कुछ चेंज करके, कुछ जनरलाइज करके, और फिर अपने जो बाहर के इवेंट्स हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो एक तो है एक्चुअल इवेंट जिसे कह सकते हैं हम, जो कि बाहर हुआ था, और दूसरा हम कह सकते हैं परसीव्ड इवेंट, कि आप क्या परसीव कर रहे हो उस इवेंट से, और ये है जो इवेंट आपकी मेमोरी में स्टोर हुआ पड़ा है। तो जो भी ये परसीव्ड इवेंट है वो आपको तंग कर रहा है, ना कि जो एक्चुअल इवेंट था, क्योंकि एक्चुअल इवेंट तो कब का गया, अब जो ये इवेंट था जिसने कि आपकी मेमोरी में जगह बना रखी है, उस इवेंट से उसको हम मानते हैं कि ये हमारा रूट कॉज है, जिसे हम एक्टिवेटिंग इवेंट भी कह सकते हैं, और उसी से हमारे थॉट्स चल रहे हैं। अब थॉट्स चलने के कारण में भी साथ में कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं, और उनके कारण कुछ इमोशंस बन रहे हैं, और फिर हमारी बॉडी पर फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये साइकिल आपकी चल रही है। तो जो रूट कॉज हमारा पड़ा है, जो हमारे थॉट्स बना रहा है,
सो इन चीजों पर आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मे बी सीबीटी की टेक्निक यूज कर लीजिए, आप एबीसीडी वर्कशीट को यूज कर लीजिए, चाहे आप डिसएम्पावरिंग एम्पावरिंग थॉट्स, डिसएम्पावरिंग एम्पावरिंग टेक्निक आप वो यूज कर सकते हैं, आप म्यूजिक टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो भी टेक्निक आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अपने थॉट्स को हैंडल करने के लिए यूज करें, आप इवन टैपिंग यूज कर सकते हैं। सो आपको देखना है कि मैं अपने थॉट्स को किस टेक्निक से हैंडल करूं, अपने रूट कॉज पर किस टेक्निक को यूज करके काम करूं, तो आप वहां यूज कर सकते हैं। सो इमोशंस, जैसे कि आपको मान लीजिए सैडनेस आ रही है, कोई फियर आ रहा है, फियर एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो जाता है ऐसी जगह पर, खासकर पैनिक अटैक्स में, क्योंकि वहां का डर आपके साथ हमेशा बना हुआ है। सो फियर पर बहुत जरूरी है काम करना। सो यहां पर आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो, इवन टैपिंग यहां पर आपको हेल्प करेगी। दूसरा, आप ईआरपी यूज कर सकते हो, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, तो इसको आप हेल्प में ले सकते हो अपने आप का एक्सपोजर करके उस सिचुएशन के साथ जो आपके रूट कॉज को हैंडल कर ले। सो आप अपने पे काम करें और अपने उस डर को जो यहां पर बना हुआ है उसे निकालना है, क्योंकि वो डर ही आपकी चीज, जो ये फीलिंग्स आ रही हैं, जो आपकी बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स हैं, जो आपके माइंड में ये थॉट्स चल रहे हैं, ये सब चीज का कारण वो डर बना हुआ है, क्योंकि वो और बढ़ा रहा है, एस्केलेट कर रहा है उस सिचुएशन को। फिर जो आपकी बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स आ रही हैं, उसके लिए आप और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे हम आप यहाँ पर शावर टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर म्यूजिक टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्टॉप एंड ऑब्जर्व यूज कर सकते हैं, कोई भी टेक्निक आप यूज करें, बट आपको इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा, और तभी आप अपने उस डर को, उस पैनिक अटैक से बच सकते हैं, उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी एंजाइटी पर बेसिकली काम करना है, वो एंजाइटी जो एक एक्सट्रीम रूप ले चुकी है, ठीक है, वही है आपका पैनिक अटैक।